हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेडिकल इमरजेंसी मेडिसिंस के बारे में, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, एवरीवेयर। ओके, सो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको जानना नोन है, मस्ट नोन है। अगर आप डॉक्टर्स हैं, कोई भी आपने स्ट्रीम ले रखी है, आइदर यू डू फार्मा, BTS, MBBS, एनीथिंग, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं भी हैं आप इस स्ट्रीम से तो भी आपको पता होना चाहिए मेडिकल इमरजेंसीज में कौन कौन सी मोस्टली मेडिसिंस यूज़ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन आपको पहले से पता होगी, ये सारी की सारी इंजेक्शन फॉर्म में है, क्योंकि इमरजेंसीज तो ऑफकोर्स हम इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ करेंगे। और दूसरी थिंग, बहुत सारी आपको पता होगी, बहुत सारी आपको नहीं पता होगी। तो जो आपको नहीं पता है वो मुझे बताइएगा, बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं। पहला इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन का, ये यूज़ होता है एलर्जिक रिएक्शंस में और अस्थमा पेशेंट में। तो अगर आप क्लिनिक में हैं और अगर आप पेशेंट कर रहे हैं, अचानक पेशेंट को अस्थमा हो जाए, एलर्जिक रिएक्शंस होने लग जाएं, आपने कुछ दिया है एले वगैरह से या किसी भी चीज़ से कोई रिएक्शन हो जाता है, तो आप डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। दूसरा इंजेक्शन होता है इंजेक्शन डाइजेपाम। डाइजेपाम यूज़ होता है टू कंट्रोल प्रोलॉन्ग सीज़र, ठीक है, मसल स्पैम में इसको यूज़ करते हैं डाइजेपाम को। नेक्स्ट इंजेक्शन इज़ इंजेक्शन पैरासीटामोल, ये रिलीफ देता है फीवर से एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन, कंट्रोलिंग माइल्ड टू मॉडरेट पेन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंजेक्शन इज़ इंजेक्शन वेसोप्रेसिन, इट इज़ यूज इन शॉक, स्पेशली लो बीपी। नेक्स्ट वन इज़ इंजेक्शन मिथाइल प्रिडनिसिलोन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस में यूज़ होता है। एक मेडिकल इमरजेंसीज की पूरी बुक आती है फाइनल ईयर में, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें सारी ये मिल जाएंगी, बट मैंने मेंशन कर दिया एक जगह जो इंपॉर्टेंट वन है। तो इंजेक्शन मिथाइल प्रिडनिसोलोन जो होता है यूज़ होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में। नाउ द नेक्स्ट इज़ इंजेक्शन हिपेरिन, ये यूज़ होता है टू ट्रीट और प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, राइट, ये एंटी कोअगुलेंट मेडिसिन है, यूज्ड होता है और ट्रीट करने के लिए ब्लड क्लॉट को। नाउ मोस्ट कॉमनली यूज इज़ इंजेक्शन एड्रेलिन, एवरीवन नोज अबाउट इट, बट जिसको नहीं पता है बता दूं, एनाफिलेटिक शॉक, फाइनल ईयर में पढ़ा होगा आपने, एनाफिलेटिक शॉक में यूज़ होता है, कार्डियक अरेस्ट में यूज़ होता है, सुपरफिशियल ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये यूज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट इंजेक्शन इज़ इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, तो इसे हम यूज़ करते हैं हाइपोकैल्शिमिया में और हाइपरकैलेमिया में। ओके, 25% और 50% डेक्सट्रोज मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, सबको मेरे हिसाब से पता होगा, बट नहीं पता है तो दिस इज़ यूज्ड इन हाइपोग्लाइसिमिया, हाइपरकैलेमिया एंड ऑल्सो यूज्ड इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ इंजेक्शन एमियोड्रोन, ये यूज़ होता है, एक एंटी एरिथमेटिक ड्रग होता है, ऑल्सो यूज इन हाइपरकैलेमिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ओके, नेक्स्ट इंजेक्शन इज इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन, ये यूज़ होता है चेस्ट पेन को रिड्यूस करने के लिए, मोस्टली यूज इन एंजाइना पेक्टोरिस, यू हर्ड अबाउट इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंजेक्शन इज इंजेक्शन सक्सेनाल कोलिन, ये यूज़ होता है शॉर्ट टर्म पैरालिसिस, अगर आपको है तो शॉर्ट टर्म पैरालिसिस में हम इसको देते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन इज इंजेक्शन डोपामिन, डोपामिन यूज्ड टू रिड्यूस बीपी, यूज्ड इन कार्डियक अरेस्ट आल्सो। ओके, नेक्स्ट इंजेक्शन इज इंजेक्शन डोब्यूटामिन, इट इज़ यूज्ड इन सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक, यू हर्ड अबाउट इट, लाइक हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, वैसे कार्डियोजेनिक शॉक भी होता है, न्यूरोजेनिक शॉक भी होता है, देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक। सो इंजेक्शन डोब्यूटामिन यूज्ड इन सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक, स्पेशली इन हार्ट फेलियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंजेक्शन इज इंजेक्शन लिडोकेन और ज़ाइलोकेन, मोस्टली हर चीज़ में, कोई भी सर्जरी आप करने जा रहे हैं या टूथ एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप करने जा रहे हैं तो लिडोकेन एंड ज़ाइलोकेन यू कैन यूज़ इट। तो ये एक एंटी एरिथमेटिक ड्रग होता है, लोकल एनेस्थीशिया होता है, ये लोकल एनेस्थीशिया की तरह हर जगह यूज़ करते हैं, तो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। ओके, नाउ द इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन यूज़ होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में एंड ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज़ में यूज़ होता है, आइदर स्किन की प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, सो ऑटो इम्यून डिजीज़ में ऑल्सो यू कैन यूज इन इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन। इंजेक्शन एट्रोपिन, एट्रोपिन यूज इन ब्रेडिकार्डिया एंड द लास्ट फॉर द नॉट द लीस्ट इंजेक्शन नॉन एड्रेलिन, ये यूज होता है लो बीपी